यार तो मैं पूरा हो गया हूँ लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। फटाफट से कॉफी बनाते हैं, फटाफट से निकलते हैं भाई। अभी तो कॉफी दिखाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। कि जिस दिन भी इंडिया का मैच होता है ना, उस दिन अगले दिन उठने में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो हो ही जाती है, क्योंकि मैं मैच देखता हूँ। अब मुझे पता है कि तुम्हें तो पता नहीं होगा कि मैं कौन से मैच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीन ऐसा है कि ये व्लॉग्स डिलेट चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। मैं हर दिन एक डाल रहा हूँ, मैं इससे जल्दी कैसे डालू? एक दिन में दो वीडियो डाल दूँ क्या, ताकि मैं ऑन टाइम आ जाऊँ और तुम भी मेरे साथ जिंदगी जियो सेम टाइम पे? बस तो नहीं आई है, तो हमने बीट कर दिया है आज वक्त को ही। वो वैसे कोई नहीं कर सकता, पर हम मतलब टाइम पे आ गए हैं यहाँ पे। एक तो ये हम बोलने की आदत खटानी पड़ेगी, हम नहीं आए, मैं आया हूँ, तुम बस देख रहे हो। यार ये जो टी शर्ट मैंने आज पहनी है ना, ये पहले थोड़ी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना कि जो हमारा वॉशर और ड्रायर है ना, तो वॉशर तो सही है देखो, लेकिन ड्रायर में कपड़े जब हम ड्राई करते हैं अपनी मशीन में, उसके बाद कपड़े श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। उसमें से एक ये टी शर्ट भी है जो थोड़ी छोटी हो चुकी है। क्लास में चलते हैं भाई, क्लास देखो। मैं क्लास में आके बैठ गया हूँ, क्लास में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, अभी सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, वेले हैं ये सब लोग। अभी अभी पहली क्लास खत्म हो गई है, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी भाई। एक तो इन जनरल ना 1 घंटे 50 मिनट की एक क्लास होती है, वो होनी ही नहीं चाहिए। इतना तो अटेंशन स्पैन ही नहीं है आजकल रील टिकटॉक के जमाने में, इन्हें पता होना चाहिए ना। 10-10 सेकंड की क्लास रखो अपना, ऐसे करा अगली क्लास, ऐसे करा अगली क्लास। दूसरी क्लास में बैठे पर फिर से बहुत बोर हो गए। 1 घंटे 50 मिनट की क्लास नहीं सही लगती मुझे, 40-50 मिनट तक तो ध्यान देता है आदमी, उसके बाद तो भाई बस बैठे ही है सब। फाइनली क्लासेस आर ओवर, आज का दिन भी खत्म हो चुका है। अब हम जा रहे हैं बहुत ही बोरिंग चीज करने, और वो बोरिंग चीज का नाम है म्यूजियम जा रहे हैं। क्यों म्यूजियम जा रहे हैं? म्यूजियम नहीं है क्या? है आर्ट एग्जीबिशन जा रहे हैं हम, फैंसी बहुत भाई साहब। वहाँ क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे राज है। राज ये है कि जो एथिक्स हमारा, ओ ये क्या कर रहा है भाई, चाइल्ड फ्रेंडली। You're not even in the vlog. हमारा एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, उस सब्जेक्ट के लिए हमें एक ऐसी जगह जाना है, और उसके बाद वहाँ से आके हमें एक वीडियो बनानी है कि हमें कैसा महसूस हुआ, तो वो करने जा रहे हैं हम। असाइनमेंट खत्म हुए ना, मुंह पे मारे उसके। हम सड़क पे निकल गए हैं, पर बहुत ठंड हो रही है, और मैं हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के आया हूँ, जो मैं तुम्हें बताती हूँ छोटी हो चुकी है, क्योंकि इनके ड्रायर में कपड़े डाल के छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे बसों में घूम के ना कभी कभी ऐसा लगता है, दिल्ली में जब गाड़ी होती थी उसकी अलग ही बात थी, उसका अलग ही माहौल था। क्योंकि अभी हम इस बस में बैठे हैं, फिर हम यहाँ से एक बस स्टॉप पे उतरेंगे, फिर दूसरे बस में बैठेंगे, फिर उसके बाद उतरेंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर पहुंचेंगे उस आर्ट एग्जीबिशन तक। क्यों? क्योंकि हमें एक बेकार सा असाइनमेंट करना है बेसिकली। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम व्लॉगिंग राइट नाउ, दिस इज सीरियस बिजनेस। खैर ये सब हम जा रहे हैं एक तुच्छा सा असाइनमेंट करने के लिए, पर कोई बात नहीं, जा रहे, मेहनत कर रहे हैं यार भाई साहब, वाइब चल रही है एकदम, हैपनिंग जिंदगी हो गई है। कभी ये काम करते, कभी वो काम करते, कभी एंजॉय करते, ऐसे ही चलता है। ओ भाई कितनी भीड़ है, राजीव चौक आ गया। नाउ डू वी हैव टू वॉक और वी हैव टू टेक अनदर बस? शिट, इट्स ऑफ यू, कम ऑन। पता नहीं क्या ही होगा म्यूजियम में और कितना ही बोरिंग होने वाला है, पर कोई नहीं, असाइनमेंट है तो करके खत्म करते हैं इसे। You guys did not know that there is nothing happening and we came all the way here? I thought it was happening. Can you give us some more time after we're done talking? भाई ये लोग मुझे भी ले आए खींच के, या असाइनमेंट करेंगे यहाँ पे, हो ही नहीं रहा है जो चीज करने आए हैं भाई, ये क्या ड्रामा है आज तो बहुत पोपट हो गया। तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं था जो हमारे काम का हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके और भी 3-4 म्यूजियम है जो सब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो फटाफट से वॉक करते हुए हम इनके दूसरे म्यूजियम में जाएंगे, जहाँ पे हमारे काम का सामान होगा, हम फटाफट से असाइनमेंट कर देंगे। ये है, तो बेसिकली हम ऐसे म्यूजियम आए जहाँ ग्रेफिटी है, मतलब ग्रेफिटी आर्ट म्यूजियम नहीं है, जो भी मतलब आर्ट एग्जीबिशन है, ग्रेफिटी आर्ट वर्ट है, पर इनकी तो दीवारें चिट्टी है भाई, पूरी सफेद है, एक ग्रेफिटी नहीं है। दिस इज माइनस कॉफी, देखो ना, टेक कॉफी फ्रॉम अस, माइनस कॉफी। यहाँ पे अगर कोई भैया होते, कोई सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो हमें कुछ बता देता कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन यहाँ पे होता ही नहीं है ये सब। अब हम यहाँ आ गए हैं, लाल है सब कुछ यहाँ पे, लाल है पूरा पूरा लाल है भाई यहाँ पे। वो यही है, यही जगह है, हमारा फिर लाल हो गया, ये भी नहीं खुला। अब हम पिज्जा खाने जा रहे हैं, ऐसे ही है, व्लॉग खुलता है तो लोग कूल बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे हो जाता है। अब इसको तो समझ आएगा नहीं मैंने क्या बोला। वो ये फायदा रहता है यहाँ पे प्राय देश में ना। मैंने फैंटा भी ले लिया आज, तो फैंटा की फील आ रही थी, यहाँ फैंटा थोड़ी कम मिलती है वैसे भी, शायद ऐसा ना हो। हम सोच रहे थे कहाँ जाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई सब लोग इस जगह से पिज्जा ले रहे हैं, और अभी एक दीदी आ रही थी ऐसे इतना बड़ा पिज्जा लेके, मतलब ऐसे बड़े सारे डब्बे लेके यही जगह थे, उन्होंने कहा डेढ़ डब्बे कैसे चिल्लाया भाई साहब सड़क के बीच में से, तो हमने कहा अरे थैंक यू आपने बता दिया, फिर हम यहीं पे आ गए खाने। अब देखते हैं कि इनका पिज्जा कैसा है। देखते हैं कि कैसा है।
जो पिज्जा की जो फ्रेशनेस है, जो बेस और क्रस्ट की जो फ्रेशनेस है, कमाल लग रहा है भाई। और ऊपर ऑलिव ऑयल होगा शायद, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और थोड़ा सा मीठा है, स्पाइसी तो खैर बिल्कुल नहीं है, उन्होंने कहा तो स्पाइसी होगा। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। अब फैंटा एंजॉय करूंगा साथ में। यहाँ का सबसे फैंसी फर्नीचर स्टोर और रेस्टोरेंट है रेस्ट हाउस आरएच। कार्डाशियन फैमिली सारा कुछ यहाँ से खरीद किया है एंड इट्स बिकम अ बिग चेन। और अब हम यहाँ जाने वाले हैं ना, पैसे कितने लाया तू ये बता। ये एक लंबी रो 4 लाख रुपए की है। आधी रो 4 लाख रुपए की है भाई। पूरा लेना होगा तो काफी पैसे लग जाएंगे तुम्हारे। झूमर उमर लगा रखा है इन्होंने तो। ओहो क्या बात है, शाही माहौल है यहाँ पे। ऐसे क्या बात, लश्कारे मार रहे हैं यहाँ पे। सब कुछ मस्त महंगा है लेकिन फार फील आ रही है। तुम्हें तो पता ही है मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है, महंगी महंगी। मुझे तो बढ़िया लगता है ऐसे महंगी लग्जरी वाली जगहों पे आना। सब मोटिवेशन है यार, ये सब मोटिवेशन है। ये देखो क्या झूमर है, क्या सोफे हैं, और ये इतने कंफर्टेबल है ना भाई। ओए 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 ओए। अरे इसकी खोपड़ी कहाँ है, इसकी खोपड़ी यहाँ पे रख दी इन्होंने। लेदर की किस चीज की है ये अलमारी है इनकी, लकड़ी की लग रही है। अरे तो नॉर्मल एनिमल स्किन ऑन इट आई थिंक। ओह अच्छा, लकड़ी नहीं है, शाहबुद्दीन नहीं बना देंगे हमारे। ये एकता कपूर के घर से निकाला है इन्होंने। एक सीढ़ी यहाँ से जाती है इनकी। अभी मिहिर आएगा कहीं ना कहीं से। अब हमारा यहाँ का सफर खत्म हो चुका है, हमें बढ़िया लगा। अब मैंने उसके बाद बस कर ली थी, सब लोगों को अलविदा कर दिया था और उसके बाद अब मैं चलते हुए जा रहा हूँ। 10 मिनट की वॉक है घर तक की। लेकिन भाई बहुत ठंड हो रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ठंड लग रही है घर जाते जाते तक की। घर में वापस आ चुका हूँ, अब कल की तैयारी कर लेते हैं। तैयारी में सबसे पहले है कि कैमरा, चार्जर, लेंस और माइक सब लेके बैग में डालना है क्योंकि कल हमें कॉलेज ये सब चीजें लेके जानी है। ऐसे ही है कल का दिन एकदम फन आने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मुझे जो कल हमें करना है वहाँ कैमरा, जिस चीज के लिए मैं लेके जा रहा हूँ वो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि हाँ ये एक ग्रुप चीज है लेकिन देखो ये मेन काम मेरा है। और मैंने कहा था कि चलो वीडियो बनाते हैं तो सारा लोड भी मेरे ऊपर आ चुका है तो मुझे काम करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, मुझे तो मजा ही आएगा ये पूरा प्रोसेस में और ये सब करने में।